नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की 5 बड़ी खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर से। मर्दर थाना क्षेत्र के यादव मोड़ के पास गुरुवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने देशी शराब दुकान के सेल्समैन धरिया गांव निवासी अनिल यादव को गोली मारकर 40,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल सेल्समैन को उपचार के लिए वाराणसी ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना करते हुए लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की और संबंधितों को शीघ्र लुटेरों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिवस शुक्रवार को सद्भाव दिवस के रूप में मनाया गया। पुलिस ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने स्वर्गीय गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिंह ने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को भावनात्मक एकता और सद्भावना के साथ कार्य करने एवं बिना हिंसा का सहारा लिए किसी भी मतभेद को बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाने की शपथ दिलाई। स्वर्गीय गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला सहित अन्य पुलिस अधीक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे टिकट के अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए औडिहार प्रभारी नरेश कुमार मीणा व सिटी स्टेशन आरपीएफ प्रभारी उदय राज तथा वाराणसी प्रभारी गुलाम वारिस सिद्दीकी की संयुक्त टीम ने शनिवार की देर शाम भावरकुल थाना के वीरपुर गांव में विकास कम्युनिकेशन जन सेवा केंद्र पर छापा मारा। छापे के दौरान वहां से रेलवे टिकटों के अवैध कारोबार में लिप्त गोलू राय पुत्र संजय राय को गिरफ्तार कर उसके पास से 13 ई टिकट, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर व एक मोबाइल कीबोर्ड माउस तथा 34,550 रुपए नगद बरामद किया है। इस संबंध में औडिहार प्रभारी नरेश कुमार मीणा ने बताया, उसके खिलाफ रेल के अवैध टिकट बेचने की शिकायत काफी दिनों से मिल रही थी। सूचना के आधार पर गाजीपुर वाराणसी औडिहार की संयुक्त टीम ने छापा मारकर उसे जेल भेज दिया गया है। मर्दर के ऐतिहासिक सिद्धिपीठ महाहर धाम का सुंदरीकरण कराने और उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भाजपा नेता कुंवर रमेश सिंह पप्पू ने पर्यटन व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि सिद्धिपीठ महाहर धाम के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर बना शिव मंदिर सहित सरोवर को अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ द्वारा स्थापित किया गया है। जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ महाराजा दशरथ हमेशा आते थे। उनकी सुरक्षा व शिव पूजन के लिए यहाँ पर एक विशाल महल का भी निर्माण कराया गया था, लेकिन कालांतर में वह ध्वस्त हो गया है। अभी भी वहाँ 4 फीट मोटी दीवारें हैं। राज्य मंत्री से मांग किया कि उक्त धाम का सुंदरीकरण कराकर उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। खानपुर क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा कोविड-19 के चलते पिछले 2 वर्षों से पिछड़ी रही। इसकी भरपाई के लिए शिक्षा विभाग द्वारा मोहल्ला क्लास चलाया जा रहा है। इसके जरिए बच्चों को यथोचित शिक्षा दी जा रही है। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जो कोरोना संक्रमण काल में स्कूलों के बंद होने से स्कूली शिक्षा से वंचित हो गए। शिक्षा आपके द्वार के तहत अध्यापकों को नौनिहाल बच्चों के दरवाजे जाकर मोहल्ला क्लास लगानी पड़ रही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।